इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का हर मकदम है। सबसे पहले सुर्खियां। आज वैसे भी रमजान का पहला रोजा है। आज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का यौम में पैदाई शहर में मनाया गया। बेलगाम शहर में सियासी सरगर्मियां जारी। अकलीती इलाकों में कांग्रेस रैलियों का एहतमाम। एमईएस के शुभम छिड़के को भी मिल रही है हिमायत। वजीर आला ने एक बार फिर कहा कि रियासत में किसी तरह का लॉकडाउन नहीं। अहम खबरों से पहले अहम मौजू पर एक नज़र। तबलीगी जमात पर हाय तौबा मचाने वाले कुंभ मेले पर खामोश क्यों? आज का हमारा सवाल यही है। हम सभी जानते हैं कि कोरोना का आंकड़ा किस कदर बढ़ रहा है। मौतों के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। लाखों की तादाद में पॉजिटिव मरीज पाए जाने की इत्तला हासिल हो रही है। आज के इस मौजू पर रोशनी डालने से पहले थोड़ा पीछे पलट कर देखने की जरूरत है। याद करो जब तबलीग जमात को कोरोना के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा था। एक साल पीछे इसी अप्रैल महीने में इसी मोदी हुकूमत ने गोदी मीडिया के जरिए क्या क्या नहीं किया, किस तरह बदनाम करने की कोशिश की। पर कहते हैं वक्त का पहिया यूं ही घूमता रहता है। फिर अप्रैल महीने में कुंभ शाही स्नान के लिए लाखों की भीड़ पिछले कई दिनों से जमा है। पर इसे कोरोना जिहाद कोई नहीं कहेगा। कोरोना बम कहने की हिम्मत किसी में नहीं होगी। जबकि उस वक्त महज कोरोना मरीजों के मामले हर रोज 500 दर्ज हो रहे थे। तबलीग जमात के मशवरे के लिए पहले से ही 5000 लोगों ने शिरकत फरमाई थी, जिसे लेकर एक हंगामा खड़ा किया गया था। कैसे मुनज्जम तरीके से एक समाज को किस कदर निशाना बनाने की साजिश मुल्क में होती, इससे बेहतर मिसाल आपको नहीं मिल सकती। कोरोना जिहाद पर बाकायदा डिबेट, बहस और न जाने कैसे कैसे प्रोपेगेंडे चलाए गए। गरीब मुसलमानों पर जो सब्जी फ्रूट बेचकर गुजारा करता था, इन्हें गांव मोहल्ले में आने से मना किया गया। गांव में खाद कोई घर में होता तो इसका एक तरह अक्सरियत समाज की जानिब से बायकॉट किया जाने लगा। क्या क्या सितम महज तबलीगी जमात को बहाना बनाकर मुस्लिम माशरे पर किए गए। और यकीनन यूं ही नहीं हुआ, इसके बारे में हुकूमतों को पूरा मालूम थी। बहुत कुछ सितम किए कोरोना की आड़ में मुस्लिम समाज पर। अब सवाल यह उठता है कि अब क्यों कभी खामोश है। योगी आदित्यनाथ का कोरोना पॉजिटिव होना भी एक तरह से ढोंग है, क्योंकि अब सवाल पूछे जाने का डर ही नहीं है। पर जिस तरह महज 5000 लोगों की शिरकत और हर रोज 500 मामलों पर हंगामा बरपा करने वाले आज लाखों लोगों की कुंभ मेले में शाही स्नान पर खामोशी क्यों? अब तो हर रोज लाखों मामले सामने आ रहे हैं। शमशान घाट में लाशों को जलाने के लिए कतार लगाई जा रही है। घर वाले कोरोना से मरने वालों की लाशों को लेकर घंटों इंतजार कर रहे हैं। कहीं पर ऑक्सीजन की कमी तो कहीं पर बेड नहीं। रेमडेसिविर की किल्लत हो रही है, जिससे दिगर ममालिक को भेजने पर फिलहाल पाबंदी लगा दी गई। कई शहरों में लॉकडाउन के हालात है। ताजिर कारोबारी सड़कों पर उतर कर लॉकडाउन की मुखालफत कर रहे हैं। लॉकडाउन करना है तो अकाउंट में पैसे डालो की मांग आवाम की जानिब से की जा रही है। आवाम सड़कों पर आकर एहतजाज कर रही है। पुलिस वालों पर हमले की वारदातों में इजाफा हो रहा है। कहने का मतलब, इस कुंभ स्नान पर कोई लफ्ज बोलने के लिए तैयार क्यों नहीं? एक आध आवाज उठ भी रही है पर इसकी तरफ कोई तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं। गोदी मीडिया कितने लाख लोगों ने शाही स्नान किए की तस्वीरें दिखा रही है। कितना फर्क महसूस किया जा रहा है। तबलीगी जमात को कोरोना जिहाद और अब श्रद्धालु। जो आंकड़े दिए जा रहे हैं ये भी फर्जी है। क्या लाखों लोगों में महज 100 लोग पॉजिटिव होते हैं? ये भी झूठ घड़ा जा रहा है। अगर वाकई लाखों लोग जमा होने के बाद भी पॉजिटिव नहीं हो रहे तो कोरोना पर ही सवाल उठाने वालों को गलत साबित नहीं किया जा सकता। उधर उत्तराखंड के वजीर आला ने कहा कि गंगा में स्नान करने से कोरोना भाग जाता है। मतलब जहालत की हद है, किस कदर दोगली पॉलिसी चली जा रही है। उन्होंने मरकज से कुंभ को जोड़ना भी गलत साबित किया। जहां मुस्लिम समाज का जीना हराम किया गया था, अब लाखों लोग हासिल इत्तला के मुताबिक 30 लाख से भी ज्यादा लोग यहां पर पानी में डुबकी लगा रहे हैं। जहां एक दूसरे से दूर रहने की बात कही जा रही है, मास्क की बात कही जाती है, पर जब लाखों लोग एक ही नदी के पानी में डुबकी लगाते हैं तो सिर्फ सोच ही सकते हैं कि अगर कोरोना वाकई है तो कितना बड़ा नुकसान इस मुल्क को हो सकता है। पर नहीं, इसके लिए तो मखसूस धर्म का होना जरूरी है। यहाँ हर जुर्म मुजरिम के धर्म को देखकर तय किया जाता है। अगर मुसलमान है तो फौरन बिना सोचे समझे ही आतंकी कहा जाता है, और अगर दिगर मजाहिब का है तो दिशाहीन हुआ नौजवान कहा जाता है। कहने का मतलब, एक बार फिर कोरोना की दूसरी लहर पर
जिस तरह बात की जा रही है, अब वो लोग कहाँ हैं जो तबलीगी जमात के आड़ में समाज को कोरोना जिहाद कहकर बदनाम किया जा रहा था? क्या अब शाही स्नान पर यही अल्फाज इस्तेमाल करेंगे? क्या अब कहा जाएगा कि यहाँ से एक एक कोरोना बम गांव जाकर कोरोना बम फट जाएगा और करोड़ों लोगों की जानों को खतरा हो सकता है? नहीं कहोगे, क्योंकि तुम में सच्चाई का सामना करने की हिम्मत नहीं है। आज यौम पैदाइश डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर है। इसी महान शख्स ने धर्म जात पात के तफरके को खत्म करने की बात कही और भारत का सबसे खूबसूरत संविधान लिखा। अब तो इस संविधान को ही खत्म करने की बात कही जा रही है। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि सवाल पूछे जाए। लिहाजा हमारा सवाल यही है कि अगर मरकज को लेकर किसी समाज को कटघरे में खड़ा करने वाले कुंभ पर खामोश क्यों है? आज डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का यौम पैदाइश शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मनाया गया। कोविड और कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से जो हर साल शानदार जुलूस निकाला जाता था, इस पर पाबंदी लगा दी गई थी। लिहाजा आज अंबेडकर जयंती का एहतमाम किया गया। अकलेती मोर्चा कांग्रेस के जिम्मेदार सलीम अहमद और बेलगाम कांग्रेस के सदर जनाब आसिफ राजू सेठ ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के पुतले को फूल मालाएं पहनाकर बाबा साहेब अम्बेडकर की किस कदर इस मुल्क और संविधान के लिए योगदान रहा, इस पर अपने ख्याल का इजहार किया। सलीम अहमद ने कहा कि आज कुछ फिरका परस्त अपनी ताकत का इस्तेमाल कर इस मुल्क के संविधान को बदलना चाहते हैं, लिहाजा इस मुल्क के संविधान को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। इस वक्त राजू सेठ ने भी कहा कि आईने हिंद की तहफ़ हमारी जिम्मेदारी है, इस मुल्क की भाईचारगी हमेशा जिंदा रही है और यही पैगाम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें दिया है। इसी तरह दिगर लीडरान की जानिब से भी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती मनाई गई। बेलगाम रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया और समता सैनिक दल की जानिब से भी शहर में 130वीं अम्बेडकर जयंती मनाई गई। इस वक्त मंगला अंगड़ी, शोभा करंदलाजे, अनिल बैल के भी मौजूद रहे। इस वक्त RPI जिला सदर परशुराम शिंदे, शोभा खवातीन की सदर दीक्षा तहसीलदार, ह्यूमन राइट के प्रवीण हिरेमठ, हसीना शेख, लक्कपा तलवार और दिगर हजरात शरीक रहे। बेलगाम शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कांग्रेस चुनावी रैलियों का एहतमाम किया गया। खंजर गली, दरबार गली, कोतवाल गली में वोटरों को कांग्रेस की जानिब से कांग्रेस उम्मीदवार सतीश जारकीहोली को जिताने की गुजारिश की। जना फिरोज सेठ, आसिफ राजू सेठ, कांग्रेस अकलेती सदर सलीम अहमद और सईद अहमद भी शरीक रहे। आज सामरा में भी सतीश जारकीहोली की जानिब से रैली का एहतमाम किया गया था, जिसमें लक्ष्मी हब्बाकर भी शरीक रही। वजीर आला येडियुरप्पा ने बढ़ते कोरोना मरीजों के मद्देनजर किसी तरह का लॉकडाउन नहीं होगा, ऐसा फिर एक बार कहा। वहीं दूसरी ओर वजीर सेहत ने सख्त पाबंदियां आयद करने की बात कही। अब दो लीडरों की दो बातें, अवाम भी कंफ्यूजन में है कि क्या वाकई सख्त पाबंदियां आयद की जाएगी या लॉकडाउन नहीं होगा। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।